नमस्ते दोस्तों, वन्नास के गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज है सोमवार और मैं सुबह सुबह उठ के इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो बहुत पहले बन चुकी थी और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं सैटरडे संडे कोशिश करती हूँ कि वीडियोस ना डालूँ। मेरा मोस्टली टारगेट रहता है सोमवार से शुक्रवार के बीच में। और ये देखिए, बातों बातों में मेरा केक जो कैसे धंधे से टूट गया है, पर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये चीज़ें भी, हम होम बेकर हैं तो हमें आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे टॉपिक पे भी हमें जो है वीडियोस बनानी चाहिए। और जब हम क्लासेस लेते हैं तो उस पे उसमें भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें वो चीज़ भी हमें दिखानी चाहिए। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला है कि मैं कोशिश करूंगी, थोड़ा टाइम है अभी, मैं आप लोग के सामने लाइव भी आऊंगी, केक बनाऊंगी, सिखाऊंगी, ताकि आपको काफ़ी नॉलेज हो सके। अभी तो फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये देखिए, आज मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बना रही हूँ और उसमें कितने अच्छे चंक्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब जब ये कस्टमर खाएगा केक, आप सोचिए कि क्या मतलब उनका फीडबैक रहेगा। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती, मेरे मुंह में अभी ही बोलते बोलते ही पानी आ रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, पाइनएप्पल एसेंस है और मैंने थोड़ा सा डाला है। और जो बेकरी में केक मिलता है, मैं ऐसा सिर्फ सारे बेकरीज की बात नहीं कर रही, जिनको बुरा लगे उसके लिए सॉरी, बहुत सारे बेकरीज वाले क्या करते हैं, इसमें जो है थोड़ा और अच्छे से हम पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे तो हमें इसमें क्रश नहीं डालेंगे। मीन्स बहुत सारे बेकरी जो है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें फिर से एसेंस डाला है, ये बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में कई बेकरीज में एसेंस डाला जाता है। और यहाँ पर तो मैंने क्रश का भी यूज़ किया है, इसमें कितने चंक्स है आप देख सकते हैं सामने से। और कई बेकरीज में ऐसे होते हैं जो बहुत चीप बेकरीज होती हैं, जिनमें काफ़ी सस्ते 200 250, यहाँ तक कि 180 तक में भी केक मिलते हैं हाफ के जी के। तो वो क्यों मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एसेंस का यूज करते हैं। पाइनएप्पल केक है, पाइनएप्पल एसेंस डालो, स्ट्रॉबेरी केक है, स्ट्रॉबेरी एसेंस डालो, ऑरेंज है, ऑरेंज एसेंस डालो। तो भाई वो तो देंगे ही ना, 180 में, 200 में, 250 में, उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है आप सोचिए। और हम जब खाते हैं तो हमें तो वैसे ही फीलिंग आती है, हाँ हाँ ऑरेंज एसेंस केक तो है, पाइनएप्पल केक तो है, पर हम वैसा नहीं करते। ये देखिए, जस्ट मैंने आज आप लोग को दिखाने के लिए ये थोड़ा सा डाला है। इससे भी अच्छे से अगर मैं डालूंगी तो मुझे कोई क्रश की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं इसे भी 200 में बेच सकती हूँ, 250 में बेच सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बेचने में। लेकिन क्या आप ऐसे धोखे वाले केक खाना चाहते हैं, सिर्फ हमें लगे कि हम पाइनएप्पल केक खा रहे हैं और लेकिन पाइनएप्पल गायब है उसमें, कि आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए सिर्फ ये एक मैंने छोटा सा रीजन दिया है आप लोगों को कि हमारे केक क्यों थोड़े कॉस्टली होते हैं। बहुत सारे रीजन मैं आपको दिखा सकती हूँ, गिना सकती हूँ। जिनको ये चीज समझ में आएगी ना, वही होम बेकर से केक लेंगे। मैं ये नहीं कहती कि सब कोई मुझसे ही केक ले जो मेरे आसपास हैं, जितने भी होम बेकर्स हैं उनसे आप केक लीजिए। शॉप से और होम बेकर से अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो कोई मैच ही नहीं है, मैं इसकी गारंटी तो दे सकती हूँ। जैसे ही हमें ऑर्डर आता है, हम तुरंत केक को बेक करते हैं, स्पॉन्ज को बेक करते हैं। और सबसे कॉस्टली वाली क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। अगर अभी कोई पूछे मुझसे कि मैम आपने कौन सी व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है, तो देखिए मैंने कई बार वीडियोज़ में दिखाया है, आप प्लीज़ मेरी सारी वीडियोज़ देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्रीम देखने के लिए ही देखिए उस वीडियो को, इतनी सारी वीडियोस हैं उसमें, इतने सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं, उन होम बेकर्स के लिए भी हैं जो केक खाते हैं उनके लिए भी, जो केक बनाते हैं उनके लिए भी बहुत सारे टिप्स हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी सारी वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, सुनिए और कैसे मैं काम करती हूँ उस पर भी थोड़ा सा नज़र रखिए। और मैंने बिना क्लासेस के इतने टिप्स दिए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई भी जो केक सिखाता है, यूट्यूब पर भी सिखाता है, वो इतने टिप्स और ट्रिक्स नहीं देगा। आप लिख के ये चीज़ ले लो। जो बोलते हैं ना, क्रीम हमारी मेल्ट हो रही है तो हम आप उसमें साइट्रिक एसिड डाल दीजिए, उसमें विनीगर डाल दीजिए, क्या क्या चीज़ें बताते हैं, शुगर पाउडर डाल दीजिए। भाई मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि जिन्होंने ये टिप्स दिया है, क्या वो खुद ये सारी चीज़ें डालते हैं? आप पूछना उनसे, नहीं डालते हैं। तो
क्योंकि आप ये लिख के ले लो, गारंटी है मेरी कि बिना कुछ डाले आपकी क्रीम जो है स्टेबल रहेगी। ये आप चीज नोट डाउन कर लो, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। देखिए क्रीम मेल्ट कब होती है, जब हम अपने केक क्रीम को अच्छे से व्हिप नहीं करते हैं। क्रीम मेल्ट कब होती है, जब आप थोड़ा सा सस्ते क्वालिटी का क्रीम यूज करते हैं। और आप बोलेंगे बेकरी में तो सस्ते क्वालिटी का यूज करते हैं क्रीम, उनकी क्यों नहीं मेल्ट होती, नहीं मेल्ट होती है क्यों, क्योंकि वो एसी में काम करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ। यही सारी चीजें आप जाके क्लासेस लेंगे और फिर जाके सीखेंगे। तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी जानकारी, जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं वो जानना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को सारा ध्यान से सुनिए, देखिए, आपको बहुत ही नॉलेज होगा। और आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं सारे के सारे। मैंने इतने टाइप के, इतने वैरायटीज के चॉकलेट केक बनाए हैं, आप एक बार जरूर देखिएगा, चॉकलेट की तो लाइन लग जाएगी वेरिएशन की चॉकलेट के फ्लेवर में। और आगे मैं और बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे को चॉकलेट केक ही पसंद है, तो मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करती हूँ चॉकलेट केक के ऊपर, तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फ्लेवर अच्छा होगा तो ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वरना नहीं करूँगी। तो आप देखिएगा, वेंटो केक भी मैंने बनाया है, डिफरेंट डिफरेंट थोड़े थोड़े वेरिएशन करके चॉकलेट केक का, बहुत ही बढ़िया बना है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। और अब ध्यान से देखिए, मेरे केक की हाइट काफ़ी अच्छी आई है। एक्चुअली जो मैंने टॉप के पार्ट को बीच में लगाया था ना, सिर्फ बीच में लगाने से ही काम नहीं चलेगा, जैसे आप बीच में लगाते हैं ना तो जो गैप होती है उसको आप क्रीम से फिल करिए, उसके बाद केक को सोक कीजिए ताकि वो नीचे से ऐसे दबे नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना, नहीं आपको मैं नहीं, बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन मैं भी बहुत अच्छे से आपको देती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखिए, बहुत कुछ नॉलेज होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने केक को पहले फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, उसके बाद जो ये सिलिकॉन ब्रश होता है उससे मैं इस पर टेक्सचर ये वाला दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। तो आप ये भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो जो मैंने येलो कलर की क्रीम बनाई थी ना, मुझे कुछ तो आज अलग करना था, मैंने सोचा था कि नहीं बहुत हो गया सिंपल सिंपल डिजाइन। एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि केक बनाने का मतलब, बनाने का मन तो होता है लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा नहीं हो रही है, और गर्मी से बहुत क्रीम मेल्ट हो रही है, मेल्ट मीन्स चॉकलेट मेल्ट हो रही है, और थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मीन्स मन नहीं कर रहा है कि मैं जाके जो है केक वहाँ जाकर बनाऊँ। एक्चुअली जहाँ पे मैं बनाती हूँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही रहती है, मैं एक्चुअली फ्लैट में रहती हूँ तो उतना ज़्यादा एरिया नहीं है कि मैं स्पेशल एक रूम बना सकूँ अपने केक के लिए, तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से मैं अपने क्रीम को स्क्रैप कर रही हूँ, मुझे यही वाला पैटर्न चाहिए था, तो इस तरीके से बस अच्छे से स्क्रैप करती जा रही हूँ। और जो मैंने येलो कलर यूज़ किया है, आप वहाँ पर इमल्शन का भी यूज़ करेंगे ना, पाइनएप्पल इमल्शन का, तो खाने में भी पाइनएप्पल वाला फ्लेवर आएगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल येलो कलर का ही यूज़ किया है। तो ये देखिए मुझे हाफ कवर करना था इस तरीके से, और उसके बाद इतना तो मैंने कर दिया, फिर मैं सोचने बैठी मैं कौन सी डिज़ाइन डालूँ। तो बस यहाँ पर मैंने लिया है वो जो रोज़ बनाने वाला होता है ना नोज़ल, बस उसी को मैंने लिया है। और ये देखिए इससे ये फ्लावर इतने मस्त बनते हैं ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप डायरेक्ट इसे लगा सकते हैं केक के ऊपर, पर मैं क्या करूँगी, इसे पहले फ्रीज करूँगी, जी हाँ फ्रीज में नहीं, फ्रीज़र में फ्रीज करूँगी। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और आप इसे उठा के केक के ऊपर अपने हाथों से रख सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको इस तरीके से कभी ऑर्डर आए, बहुत सारे फ्लावर्स बनाने हो, बहुत सारे फ्लावर्स लगाने हो ना, तो आप इसे फ्रीज़र में सेट कर दीजिए जितना आपके पास टाइम मिले, और उसके बाद जो है केक के ऊपर लगाइए, बहुत ही इजी हो जाता है हैंडल करने में। तो ये छोटी छोटी टिप्स है। और ये देखिए मैं किस तरीके से इसे पेपर प्लास्टिक पर इसे उठा रही हूँ, तो बस मैंने इसे फ्रिज में सेट कर दिया। ये देखिए कितना इजी हो गया ना, बिल्कुल भी क्रीम हमारी वेस्ट नहीं होगी, बहुत अच्छे से ये जाके लग जाएगी केक के ऊपर। तो बस इस तरीके से मैं सारे फ्लावर जो है लगा लूंगी, और ये देखिए एक एक करके सारे फ्लावर्स मैं लगाती जाऊंगी। मैं कैसे इसे प्लेस कर रही हूँ आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर फ्लावर्स बनते हैं।
एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा सोच रही थी ना कि मैं कौन सी डिज़ाइन डालूँ, कौन सा कुछ तो अलग कर लूँ। तो ये देखिए, जो एक फ्लावर मेरा बिगड़ गया था, तो मैंने अच्छे से जब उसे मिक्स किया येलो और रेड कलर को, तो ये देखिए ऑरेंज कलर हमारा बन गया। बस इसे भी मैं इसे प्लेस कर दूँगी यहाँ पर, ये देखिए। तो ये भी हमारा प्लेस हो गया, और ये कुछ सूना सूना सा मुझे लग रहा था, तो मैं यहाँ पर थोड़े से बीच में ये गोल्डन पर्ल्स डाल दूँगी, और लीफ भी मैं बनाऊँगी। और मुझे यहाँ पर बर्थडे बॉय का नाम भी लिखना था। एक्चुअली ये बॉय का केक था, तो मैं थोड़ा सा अलग ही कुछ कर रही थी, मतलब ऐसे गर्ल वाला लुक नहीं आना चाहिए। इस बात का भी मैं खास ध्यान रखती हूँ कि अगर बॉय का है तो बॉय के हिसाब से डेकोरेशन हो, गर्ल का है तो गर्ल के हिसाब से। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने लीफ बनाई, इस पर बिल्कुल मतलब एक अलग सी खूबसूरती दिखने लगी। और जब भी आप लीफ बनाएं ना, तो आप अपनी क्रीम को जितना ज़्यादा हो सके सॉफ्ट रखें, बहुत ही सुंदर लीफ बनते हैं। ये देखिए, मैं सारा यूज़ कर लूँगी यहाँ पर, क्योंकि इतना बचा के क्रीम कुछ होने नहीं वाला और वेस्ट ही होगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर डस्ट भी कर दूँगी, इससे काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है हमारे केक के ऊपर। तो बस हमारा केक जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर मैं बर्थडे बॉय का नाम भी लिख दूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके की राइटिंग के लिए आप चाहें तो अपने न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा वाइट कलर मिला के आप रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से राइस क्रिस्प भी डाल दिए हैं, और ये देखिए हैप्पी बर्थडे का मैंने टैग भी लगा दिया, और ये केक का वेट सामने देख सकते हैं। तो ये रहा केक का फाइनल लुक। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।